दोस्तों नमस्कार, आज आप कैसे हैं? आप सब मुझे उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। तो बीएमएस बीएचएमएस बीओएमएस डॉक्टर कब कर पाएंगे ब्रिज कोर्स? ब्रिज कोर्स को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है और ब्रिज कोर्स कब से अप्लाई होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसी पे हम बात करेंगे, क्योंकि लोकसभा से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है आप सभी के लिए। लगातार प्रीवियस 3 to 4 ईयर से बहुत ज्यादा वीडियोस फैल रही हैं कि आप बीएमएस कर लो, आप ब्रिज कोर्स कर पाओगे। ऑलरेडी मैंने भी इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे भी न्यूज मिली थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान में है बीएमएस को लेकर। लेकिन परसों जब यही सवाल आयुष मिनिस्ट्री से पूछा गया लोकसभा में, वहां पर आयुष मिनिस्ट्री ने जो आंसर दिया है मैं आपको बताने वाला हूं। उन्होंने बताया कि ब्रिज कोर्स को लेकर अभी आयुष मिनिस्ट्री का कोई प्लान नहीं है और ना ही फ्यूचर में कुछ हो सकता है। हाँ, ऑलरेडी 2-3 कमेटियां हैं जो कि इस पूरे ही मैटर पर डिस्कशन कर रही है, लेकिन ब्रिज कोर्स कब से अप्लाई होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, भविष्य में देखा जाएगा। अब फ्यूचर क्या है ये किसी को नहीं पता, कल क्या होगा ना आपको पता है ना हमको पता है। अगर हम आज की मान के चले तो जो आयुष मिनिस्ट्री ने बताया है कि ब्रिज कोर्स ना तो अप्लाई है और ना अप्लाई होगा, अभी उसका कोई भी प्लान इस मैटर पे नहीं है। तो अब आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप आयुष कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइक आप बीएमएस बीएचएमएस बीओएमएस करना चाहते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि अगर आपको एलोपैथ मेडिसिन की प्रैक्टिस करनी है तो आपको एमबीबीएस ही करना है। और अगर आप आयुष मेडिसिन में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप आयुष कोर्स करके ही अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बता दूं एक बात और कि आयुष का अपना एक बहुत ब्राइट स्कोप है, बहुत ब्राइट एरिया है, तो आप आयुष में भी अच्छा कर सकते हैं। आप ब्रिज कोर्स के भरोसे ना बैठे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी तक इस पे कोई प्लान नहीं है। सो इस छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।